कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन का इलाज संभव है। एज अ साइकेट्रिस्ट मैं आपको ये बात अश्योर करना चाहता हूँ कि शीघ्र पतन का इलाज बहुत ही सिंपल है और इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। अप टू 95% ऑफ द केसेस में इसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको शीघ्र पतन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ सिंपल टिप्स बताते हैं जो कि आप खुद घर पर ट्राई कर सकते हैं। पहला, सेक्सुअल इंटरकोर्स से 1 या 2 घंटे पहले आप मैस्टरबेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका इजैकुलेशन टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। दूसरा, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्लाइमेक्स कंट्रोल कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग प्रकार के कॉन्डम्स होते हैं जिनमें अंदर या तो कोई केमिकल लगा होता है या फिर इनकी बनावट अलग होती है, जिससे कि आपका इजैकुलेशन टाइम बढ़ जाता है। तीसरा, आप पार्टनर ऑन टॉप पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अगेंस्ट द ग्रेविटी इजैकुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। चौथा, इंटरकोर्स के दौरान पहली बार जब आपको लगता है कि आप इजैकुलेट करने वाले हैं तो आप एक गहरी सांस ले सकते हैं, जिससे कि आपका इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स इनहिबिट हो जाएगा और आपको इजैकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि किसी भी एडल्ट मूवी, एडल्ट कंटेंट से इंस्पायर ना हुए। इसमें काफ़ी चीज़ें एग्जैजरेट करके दिखाई जाती हैं और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एक एवरेज मेल एक्चुअली केवल 5 मिनट्स तक ही नॉर्मली लास्ट करता है। अगर इन सब के बाद भी आपकी शीघ्र पतन की समस्या बनी हुई है तो आप अपने साइकेट्रिस्ट या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएं। किसी भी देसी दवा खाने किसी नॉन क्वालिफाइड पर्सन या किसी गुप्त रोगी क्लिनिक में नहीं जाएं। यहाँ पे जो इलाज होता है उससे आपको कोई बदलाव महसूस नहीं होगा और आपको नुकसान हो सकता है। आपके साइकेट्रिस्ट आपको कपल्स थेरेपी रिकमेंड कर सकते हैं। कपल्स थेरेपी उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में है। इसमें यूजली कुछ सेशंस होते हैं, 6 to 8 सेशंस तक ये लास्ट करती है और आपके साइकेट्रिस्ट आपको कुछ टेक्निक्स भी बता सकते हैं जिससे आपको अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने में मदद मिलेगी। इनमें से 2 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक और स्क्वीज टेक्निक। स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक में जब आप पहली बार आपको एहसास होता है कि आप इजैकुलेट करने वाले हैं तो आपको 20 या 30 सेकंड के लिए अपना पेनिस विड्रॉ करके एक ब्रेक लेना है और फिर सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम करनी है। दूसरी टेक्निक है स्क्वीज टेक्निक। इसमें जब आपको पहली बार ऐसा एहसास होता है कि आप इजैकुलेट करने वाले हैं तो आपको अपने पार्टनर को इंडिकेट करना है और वो आपके पेनिस को जेंटली बट लिटिल फर्मली स्क्वीज करेंगे यूजिंग 2 fingers and thumb, जिससे कि आपका इजैकुलेशन डिले हो जाएगा। कपल्स थेरेपी के अलावा कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो कि आपके शीघ्र पतन की समस्या सॉल्व कर सकते हैं। तो इन मेडिकेशंस में जो मोस्ट कॉमन क्लास ऑफ ड्रग्स हैं वो हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें कि सीरोटोनिन सीरम रिअपटेक इनहिबिटर्स आते हैं। ये सीरोटोनिन के लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं और आपके शीघ्र पतन की समस्या का सोल्यूशन करते हैं। कुछ कॉमन मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं वो है डेपॉक्सिटिन, सर्ट्रालिन, पेरोक्सिटिन, फ्लुओक्सिटिन या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे कि क्लोमिप्रमीन, उनका भी इस्तेमाल होता है। यूजुअली इफ़ेक्ट आने में थोड़ा समय लगता है, 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। इन दवाइयों से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये अनकॉमन है और रेगुलर यूज़ से ये धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं नींद आना, सुस्ती महसूस होना, वेट गेन या वेट कम हो जाना, दस्त लग जाना, पेट में दर्द या पेट में जलन होना या उल्टी जैसा लगना या फिर बहुत ज़्यादा पसीने आना। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट महसूस हो रहा है तो आप अपने आप दवाई बंद या चेंज ना करें। आप सीधे अपने डॉक्टर के पास जाएं, आपके डॉक्टर आपकी दवाई या तो चेंज करेंगे या फिर डोज एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हार्ट, किडनी या लिवर की कोई समस्या है तो ये बात अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, इसके हिसाब से वो आपका डोज एडजस्ट कर सकते हैं। मेडिकेशंस के साथ आपके डॉक्टर आपको कुछ टॉपिकल स्प्रेज भी एडवाइस कर सकते हैं। ये स्प्रेज एनेस्थेटिक एजेंट्स जैसे कि लिडोकेन या प्रिलोकेन के बने हुए होते हैं। ये आपको इंटरकोर्स करने से कुछ समय पहले अप्लाई करना है अपनी पेनिस पे। इससे आपके जो सेंसेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है और आप सेक्सुअली लास्ट करते हैं। इन स्प्रेस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये लोकली आपको इस तरह का इरिटेशन या जलन या खुजली कर सकते हैं। आपका पार्टनर भी इससे अफेक्ट हो सकता है क्योंकि ये लोकली अप्लाई होता है।
ये स्प्रेज आपको टेम्पररी हेल्प कर सकते हैं, बट क्योंकि ये कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं इसलिए लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। आपके डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन एडवाइस करते हैं ये आपके कारणों पर डिपेंड करता है, आपको शीघ्र पतन किस वजह से हो रहा है, शीघ्र पतन के क्या कारण हो सकते हैं ये जानने के लिए हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें आपको शीघ्र पतन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके शीघ्र पतन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट्स दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं नीचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।